मैं किसी स्पोर्ट में अच्छी नहीं थी किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अच्छी नहीं थी और एकेडमिक्स में भी मैं कुछ नहीं कर पाई बहुत ही आप अकेला महसूस करेंगे आपको बहुत एक इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ फेथ चाहिए अपने अंदर तो ये सारे पाँचों टिप्स अगर आप फॉलो करते हो आई कैन गिव श्योरिटी कि आपको कोई नहीं रोक सकता आप जहाँ पहुँचना चाहते हो आप पहुंच सकते हेलो एवरीवन मेरा नाम दीक्षा गिल है बेसिकली आई एम एन आर्टिस्ट एंड नाउ एन एंटरप्रेन्योर आई रन एन आर्ट बिजनेस जिसका नाम दीक्षा होम डेकोर है इट्स दिस बिजनेस थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई वांट ऑल टू नो दैट लर्निंग कम्स वे बिफोर इन पिक्चर देन अर्निंग तो शुरू से शुरू करते हैं आई वॉज बॉर्न इन उत्तर प्रदेश

और हमने बायो ली आई वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर बट रॉन्ग प्लान एक्चुअली मैंने गलत चीज़ चूज करी बिकॉज आई डिडेंट स्कोर गुड एट इट आई वॉज नॉट डूइंग गुड विद इट इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ लाइक वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ आफ्टर दैट स्टिल आई वॉज स्टबन ऑलवेज अ स्टन चाइल्ड बेसिकली दैट्स वाई एम हेयर टूडे आई गेस तो ट्वेल्थ के बाद आई टूक अ ड्रॉप ईयर आई प्रिपेयर फॉर नीट लेकिन इतना uh, बुरा हुआ कि नीड भी क्लियर नहीं हुआ एंड आई वाज़ सो डिसअपॉइंटेड डिसअपॉइंटमेंट ब्रॉट ऑल द लो सेल्फ कॉन्फिडेंस लो सेल्फ इस्टीम और मुझे ऐसा लगता था आई वाज़ गुड फॉर नथिंग मैं किसी स्पोर्ट में अच्छी नहीं थी किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अच्छी नहीं थी और अकेडमिक्स में भी मैं कुछ नहीं कर पाई थी अभी तक बट हैविंग अ लविंग फैमिली रियली हेल्प्ड मी आउट उन्होंने मुझे इतना हेल्प आउट किया एंड वी स्विच्ड टूगेदर टू संस्कृत मैंने ग्रेजुएशन किया संस्कृत ऑनर्स में आई टुक एडमिशन इन डी यू और वहाँ पर आई मेट वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल ह्यूम मेट इन माई लाइफ दैट इज़ मिस अनिता स्वामी मैम शी वॉज एच ओ डी ऑफ द डिपार्टमेंट और वो इतनी uh, इतनी uh, सही इंसान थी मेरी लाइफ में उनका इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि शी कुड सी वट आई कुडन सी इन माई सेल्फ उन्होंने मुझे हमेशा पुश किया उन्होंने मुझे स्टेज परफॉर्मेंसेस करने के लिए पुश किया और दैट जस्ट हेल्प मी यू नो बूस्ट माई कॉन्फिडेंस मैं बेसिकली आर्ट में कभी अच्छी नहीं थी कभी नेचुरली आई वॉज नेवर गुड एट इट मेरा भा मेरा बड़ा भाई ही यूज़ टू डू ऑल माई आर्ट फाइल थिंग इन स्कूल और उसके बाद मैं कॉलेज में आई मैंने आर्ट सोसाइटी ज्वाइन की और वहाँ से दोबारा मेरा आर्ट के साथ कनेक्शन बिल्ड हुआ आफ्टर ग्रेजुएशन लॉकडाउन हैपन्ड लॉकडाउन में मैंने एडमिशन लिया मास्टर्स uh, में इन द सेम थिंग दैट इज संस्कृत मास्टर्स के सेकेंड ईयर में आई स्टार्टेड दीक्षा होम रिकॉर्ड फाइनली आफ्टर माई फ्रेंड्स रियली पुस्ड मी टू डू इट मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे इतना बोला लाइक यू शुड डू इट प्रोफेशनली मतलब थोड़ा तुम्हें कोई एक पेज बनाना चाहिए इस चीज़ के लिए और तुम्हें करना चाहिए इसे थोड़ा प्रोफेशनली करना चाहिए तो मैंने फाइनली ऑन फर्स्ट ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन मैंने दीक्षा होम रिकॉर्ड इंस्टाग्राम पे पेज क्रिएट किया मैं कभी कभी उन लोगों के लिए ऐसे गिफ्ट बनाती थी लाइक फॉर फॉर्दर बर्थडेज और मैंने बहुत फैब्रिक पेंटिंग भी की है मेरे फ्रेंड्स फ्रेंड्स के पास बहुत सारे ऐसे शर्ट्स और पैंट्स हैं जिन पे मैंने पेंट किया है सो आफ्टर दैट दे पुश्ड मी कि हाँ तुम्हें ये प्रोफेशनली करना चाहिए और आई फाइनली टुक द डिसीजन एंड आई हैड नथिंग टू लूज बीइंग अ 23 ईयर ओल्ड आई गेस आई हैड नथिंग टू लूज आई हैड एवरीथिंग टू गेन ठीक है उसके बाद शुरू हुआ सफ़र uh, बहुत ही अकेले चलना पड़ता है बहुत ज़्यादा कोई नहीं होता uh, मतलब लोग होंगे भी आपके पास आपकी फैमिली होगी बट स्टिल रात तक बैठ के आपको ही अपने सपने के बारे में सोच सोच कर कुछ ना कुछ करना पड़ता है ताकि आप अगले दिन उसे प्रेजेंट कर पाओ यू you नो know? आप लोगों के सामने दिख पाओ और यू कैन बी ऑन द सर्फेस एरिया लाइक पीपल कैन सी यू आई देयर ताकि मैं कुछ नया अकल डाल पाऊँ और करीब करीब वन एंड हाफ ईयर लगातार कंसिस्टेंटली ऐसे काम करने के बाद ट्वेंटी सेकेंड ऑफ अप्रैल 2023 मेरे पहले 1000 थाउजेंड फॉलोअर्स हुए थे इंस्टाग्राम पे आई स्टिल रिमेंबर दैट नाइट आई वाज सो हैप्पी आई वाज द हैप्पीस्ट ऑन द प्लेनेट आई गेस और uh, वो खुशी मुझे दोबारा आज तक नहीं मिली है क्योंकि मैं उस दिन इतनी खुश थी क्योंकि उस पूरे टाइम स्पैन के बाद मुझे फाइनली वो चीज़ मिली और आप मानेंगे नहीं मैं, मैंने एक अपसाइकल्ड मून ड्रीम कैचर बनाया था और इट वॉज लाइक आउट ऑफ फैब्रिक एंड कार्डबोर्ड एंड दैट वेंट वायरल उसमें इलेवन मिलियन रीच गई थी और ड्यू टू दैट विद इन टू मंथ्स आई हैड फिफ्टी के फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम ठीक है फिफ्टी के पहुँच गया लाइफ गॉड जस्ट मैजिकल आई वॉज रिसीविंग ऑर्डर्स और बट टीम on uh, you know, well. तो वेरी लोनली बहुत ही आप अकेला महसूस करेंगे आपको बहुत एक इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ फेथ चाहिए अपने अंदर ना खुद में अपने सपने में कि आप कर सकते हो आप करोगे नो यू कैन डू इट अगर आपको एक आर्ट स्किल से अगर आउट ऑफ इट अगर आप एक आर्ट स्किल से सेन करना चाहते हो इट विल बी हार्ड नन ऑफ इट विल बी ईजी बहुत मुश्किल रहेगा लेकिन मुश्किल चीज अगर आपकी पसंद की हो ना तो करने में मजा आता है ठीक है और रात को चार बजे भी आप बेड पे जाके सो गए ना तो यू विल ले डाउन टायर्ड बट विद स्माइल ऑन योर फेस और बहुत अच्छा लगेगा आपको कि आपने वो चीज की जो आप करना चाहते हो क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं इज अर्निंग लिविंग राइट हम सब कर रहे हैं और उस पैसे से हम क्या कर रहे हैं अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं और अगर मेरी ख्वाहिश मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पहले ही पूरी हो गई अगर मैं अपने मनपसंद काम कर रही हूँ लेकिन जब ये जर्नी चल रही होती है आप आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो आसपास वाले लोगों को एकदम वो बिग रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होते राइट right? uh, क्योंकि होते भी नहीं है बहुत छोटे छोटे रिजल्ट होते हैं जो आपको ही नज़र आ रहे होते हैं कि यू आर ग्रोइंग बट इट्स टेकिंग लिटिल लिटिल स्टेप्स राइट बट आपके रिलेटिवस होंगे इवन माई मॉमडेट वॉन्टेड मी टू परस्यू संस्कृत क्योंकि मैंने पाँच साल उस चीज़ को दिए थे बट स्टिल आई चोज टू डू दिस आफ्टर दैट आपके रिलेटिव बहुत होंगे जो आपको लाइक यू नो विल से समथिंग टू ब्रिंग यू डाउन और कुछ बुरा बोल देंगे बट मुझे ऐसा लगता है कि लड़ना चाहिए हमेशा लड़ना चाहिए अपने सपने के लिए चाहे कुछ भी हो कोई भी हो सामने यू हैव टू फाइट फॉर दैट वन स्पेसिफिक थिंग यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ मैं भी लड़ी जवाब दिए और उस रेजिस्टेंस को अपने लिए विजडम में कन्वर्ट किया ठीक है क्योंकि जिसको जो बोलना है दे केन कीप टॉकिंग आई कीप ऑन डूइंग माय थिंग मैं अपना कंटिन्यू रखूंगी वंस आई गेट देयर आप लोग भी मुझे पसंद करेंगे आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ इसने ये कर लिया बात रही रिजल्ट्स की कि आ, दो साल हो गए करते करते कोई बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं दिख रहा है और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात देखिए जब आप अपना कुछ करने चलते हैं ना तो एक दो साल में कोई रिजल्ट नहीं दिखता है बहुत कम लोग होते हैं कि जिन्हें दिख जाता है एकदम से और मेरे हिसाब से अपनी टाइमिंग को बहुत ट्रस्ट करना चाहिए रिजल्ट्स दिखते हैं टाइम के साथ मतलब आप अगर आपने अपना हार्डवर्क अपना बेस्ट अगर उस चीज में डाला है ना तो कुछ नहीं रोक सकता रिजल्ट आएगा बट समय के साथ आएगा कहते हैं ना वो तेज हवा चलती है तो कितने पेड़ गिर जाते हैं है ना लेकिन कुछ होते हैं जो झेल जाते हैं खड़े रहते हैं तो वो वाला पेड़ बनना है ठीक है तो अगर जब तक आप मजबूत नहीं है ना तो आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे उस सक्सेस को ठीक है क्योंकि वो तेज हवा जैसी ही आएगी तो अभी ऐसे पांच टिप्स के बारे में बात करते हैं फॉर ऑल द यंग जनरेशन आउट देयर जिन जो जिन्हें लगता है कि वो ऑनटरप्रेन्योरशिप में ऐसे इंटरेस्टेड हैं और उन्हें कोई स्किल आती है तो मैं आपको कहूँगी पहली चीज़ कि आप उस स्किल को अंडर एस्टिमेट ना करें अगर आपको आता है तो आपको उसे और सीखने की जरूरत है और आप उससे पैसे कमा सकते हैं अल्टीमेटली यू कैन अर्न अ लिविंग आउट ऑफ इट फॉर श्योर यू कैन सेकेंड लर्निंग आपको एक स्किल काफी नहीं होगी एक आर्ट बिजनेस या फिर कोई भी बिजनेस रन करने के लिए अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अंदर स्किल थी कि मैंने आर्ट क्रिएट किया आर्ट वर्क बनाया आफ्टर दैट फर्स्टली यू हैव टू टेक ऑर्डर वाई पीपल विल ऑर्डर यू हैव टू मेक कॉन्टेंट मेकिंग आर्ट कॉन्टेंट कॉन्स्टेंटली पुटिंग इट आउट देर रिसीविंग ऑर्डर ऑर्डर रिसीव होने के बाद आप उसे बनाएंगे आप उसे पैक करेंगे आप उसे शिप करेंगे आफ्टर दैट यू रिसीव पेमेंट और पेमेंट के बाद फिर अपना फाइनेंस वगैरह सब कुछ देखना तो इट्स तो उस चीज को सीखने से कभी भी पीछे नहीं हटना है उस चीज को सीखना है सीखने में आगे रहना है सीखने से डरना नहीं है तीसरा पॉइंट चीजें बहुत ज्यादा अगली लग सकती हैं बहुत ज्यादा ब्रूटल लग सकती हैं आप बहुत लो फील कर सकते हैं हो सकता है आपके पास कोई इमोशनल सपोर्ट भी ना हो और लेकिन वही है कि अगर आपने सपना देखा है ना तो अपने अंदर वो सेल्फ बिलीफ रखना ही पड़ेगा वो एक इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ फेथ जो होता है ना वो अपने अंदर रखना ही रखना पड़ेगा उसके बिना काम नहीं चल सकता खुद को रोज ही उठ के बताना पड़ेगा कि ये मेरा सपना है और मुझे ही पूरा करना है फोर्थ ये रहेगा कि आप जो भी चीज कर रहे हैं उसे क्वालिटी करें सोशल मीडिया बहुत तेजी से चलता है लेकिन उस पर क्वान्टिटी ही क्वान्टिटी है बहुत भीड़ है बट यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ योर वर्क देन ओनली राइट पीपल विल कम अलॉन्ग तभी आपके पास आएंगे जब आप सही चीज कर रहे हैं सही चीज बना रहे हैं उन्हें सही चीज बनाकर दे रहे हैं इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन दैट क्वालिटी वर्क क्योंकि जब एक बार लोग आप में विश्वास करना शुरू करते हैं आपके काम में विश्वास करना शुरू करते हैं तो आपको उस बिलीव को मेंटेन करना पड़ता है तो कि uh, दीक्षा होम डेकोर है और ये इतनी अच्छी चीज बना के देती है दिख तो बहुत अच्छी रही है आएगी तो इतनी अच्छी होगी उनके पास पहुंचे तो उन्हें और अच्छी लगे ऐसे कि आप जो भी कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं आप आप उसमें अपना बेस्ट दें चाहे वो एक छोटी सी चीज़ है या फिर बहुत बड़ी चीज़ है बट यू हैव टू गिव योर हंड्रेड परसेंट और मे बी बियॉन्ड दैट फिफ्थ पॉइंट द लास्ट वन विल बी कि uh, जब आप एक सर्टेन स्टेज पर पहुंच जाते हैं लाइक like, uh, आपको वो मुकाम मिल गया नो दैट माइलस्टोन तो उसके बाद बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं और फिर वो आपकी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि आप उनके ट्रस्ट को मेंटेन करें ठीक है ट्रस्ट को मेंटेन करें और अकेले वो चीज करना बहुत मुश्किल है अपने ऊपर भी एक हद तक प्रेशर डाला जाता है उसके बाद नहीं डाला जा सकता हर इंसान की एक लिमिट होती है उसके बाद आपको चाहिए होते हैं टीम में और लोग ताकि आपके जो कस्टमर्स हैं आपके क्लाइंट्स हैं आप उन्हें डिसअपॉइंट ना करें आप उन्हें टाइमली अटेंड कर पाएं आप उनके साथ वो मेंटेन कर पाए आप उनके ऑर्डर्स ले पाएं उन्हें टाइमली वो चीज़ बनाकर प्रोवाइड कर, कर पाए क्योंकि इतने सालों की जो आपकी मेहनत है उसके बाद जो इतने सारे लोग आपके साथ जुड़ गए हैं तो उन लोगों की तरफ भी आपकी कुछ जिम्मेदारी है है ना उनके साथ जुड़े रहना और उन्हें भी महसूस होना चाहिए आपका काम देखकर कि उन्हें भी आपके काम से कुछ सीखने को मिल रहा है कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है यू नो दैट गुड कॉन्टेंट ऑन सोशल मीडिया और नॉट जस्ट लाइक गिविंग एन ऑर्डर बट वो चीज़ उन्हें देख के इतनी पसंद आ रही है कि वो खुद से रिक्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं और कॉमेंट uh, कर रहे हैं कि बहुत अच्छा बनाया है नो इट्स वेरी प्रिटी और इसी एक चीज को आपको मेंटेन करके चलना है वही एक बिजनेस ओनर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो ये सारे पांचों टिप्स अगर आप फॉलो करते हो आई कैन गिव श्योरिटी कि आपको कोई नहीं रोक सकता आप जहां पहुंचना चाहते हो आप पहुंच सकते हो यू कैन गेट देयर अब मेरी इस पूरी जर्नी में मैंने जो सबसे बड़ी चीज आज तक सीखी टू डेटी सिक्स वो यही है कि आपके डिसीजंस कभी भी आपके आसपास लोग क्या बोल रहे हैं उस पर बेस्ड नहीं होने चाहिए पीपल कैन कीप ऑन टॉकिंग एंड यू कैन कंटिन्यू डूइंग योर थिंग लाइक आप बोलते रहिए मैं अपना काम करती रहूँगी एंड आई आई एम द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि मैंने ये चीज़ की ठीक है मैंने मैं करती गई मैंने किया बहुत किया बहुत सारा काम अकेले किया रात को चार बजे तक किया लेकिन शायद उसी का फल है कि अभी यहाँ पर हूँ आप सबसे बात कर पा रही हूँ आप सबको ये चीज़ें बता पा रही हूँ अपनी जर्नी शेयर कर पा रही हूँ आप सबके साथ और उसी का रिजल्ट uh, है कि रिसेंटली ऑन ट्वेल्थ ऑफ ऑगस्ट इट वॉज़ माई बर्थडे और uh, मैं अपनी पेरेंट्स के साथ वृंदावन में थी और राइट आउटसाइड बाकी बिहारी टेम्पल मेरा माइल स्टोन हिट हुआ दैट इज ऑफ हंड्रेड के एंड द होल थिंग वॉज सो मैजिकल फॉर मी सीम्ड लाइक अ ड्रीम कम ट्रू तो दिस इज दिस हैज़ बीन वेरी ऑर्गेनिक वेरी ऑर्गेनिक मैंने आज तक तो कोई प्रमोशन्स नहीं कराए कोई एडवर्टीजमेंट्स नहीं कराए इट वॉज़ वेरी ऑर्गेनिक दडियंस इज़ वेरी ऑर्गेनिक मेरा जितना ऑडियंस है बहुत ऑर्गेनिक है एंड दिस इज़ हाउ यू बिल्ड द राइट ऑडियंस फॉर यर सेल्फ ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सपने देखने चाहिए और सपने पूरा करने के लिए जो भी सीखने की आपको ज़रूरत है उसे सीखने से पीछे नहीं हटना चाहिए उसे सीखिए आप सब अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं मैं जोश टॉक्स आशा को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ पर इस मंच पर आने का और मैं अपनी जर्नी आप सभी लोगों के साथ शेयर कर पाई थैंक यू सो मच जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं तो मन में एक सवाल जरूर आता है अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता या फिर कभी कभी हम खुद ही हार मान कर बैठ जाते हैं तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोशॉक से जो स्टॉक्स जोस वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग मेंटोरशिप हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे यहां हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हूं जो स्टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहां है